हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो दही है और ये जो क्लिनिक से मुझे मिला है पाउडर लगाने के लिए सर के ऊपर, बालों के ऊपर, मतलब कि स्काल्प जो है स्काल्प के ऊपर, उसको मैं आज अप्लाई करूंगा अपने बालों के ऊपर। और डैंड्रफ को ये बहुत ही अच्छे तरीके से हटा देता है। तो ये स्टार्टिंग में मुझे कंटिन्यू मिल रहा था, 2 महीना कंटिन्यू मिला, और तीसरा महीना जो है मुझे ये नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बोला कि डैंड्रफ अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो शायद उन्होंने ये मना कर दिया था और ये नहीं मिल रहा था मुझे। बट मैंने इस बार रिक्वेस्ट किया, जब लास्ट टाइम गया था क्लिनिक में जब मेरा सेशन था, तो मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए क्योंकि डैंड्रफ मुझे अभी भी फील होता है। मतलब मैं ये आपको बता दूँ दोस्तों कि डैंड्रफ जो है मेरा 70% ख़त्म हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद जो माइक्रोस्कोपिक वीडियो में दिखाया जाता है एक, तो उसमें मैंने देखा लास्ट टाइम, तो उसमें मुझे बहुत ही ना मात्रा में मुझे दिखाई दिया डैंड्रफ। और डॉक्टर ने भी बोला कि आपका जो डैंड्रफ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, सो फिलहाल मैं ये लगाऊंगा और पूरी की पूरी जड़ से जो है डैंड्रफ को मिटाना है। तो इसके लिए मैंने बोला कि ये मुझे चाहिए और मैंने रिक्वेस्ट किया, तो मुझे ये मिल गया है और इसमें पूरा भरा हुआ है, तो इसमें एक बार में ख़त्म नहीं होगा। तो अगर मैं ये एवरी वीक लगाता हूँ हफ्ते में एक बार, तो ये एक महीना चल जाएगा, 4 बार मैं लगा सकता हूँ इसमें। और इसको दही के साथ लगाना है, तो मैं दही लेके आया हूँ और अभी मैं इसको दही और पाउडर जो है मिक्स करूँगा और फिर इसको मैं अपने बालों के ऊपर लगाऊंगा। तो चलो लगाते हैं और इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स करता हूँ, मिक्स करने के बाद फिर मैं बालों के ऊपर अप्लाई करूँ। सो दोस्तों, ये है, मैंने लिया है प्लास्टिक का बाउल जैसा, और ये अपना पाउडर है और ये है दही। तो अभी मिक्स करते हैं, तो पहले मैं इसको खोलता हूँ। ये बिल्कुल ही पैक बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये निकल नहीं रहा है, कैसे निकलेगा पता नहीं। ये हो गया, अभी आसानी से निकल जाएगा। तो ये है पाउडर और इसको दही, तो मैं पहले पाउडर डालता हूँ। सो इतना इनफ है, सो इतना भी है और मैं इतना ही काफ़ी है, इतना में हो जाएगा। इसमें दही मिक्स करूँगा तो इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। दही भी काफ़ी ज़्यादा है, तो दही को मैं देखता हूँ आधा ही डालूँगा। सो इतना बहुत है दही, मुझे लगता है इतना में हो जाएगा। सो इतना दही बच गया है और इस दही को मैं देखता हूँ बाद में खा जाऊँगा। और इसको भी मिलाते हैं क्योंकि हमको लगता है हो जाएगा काफ़ी। ये हो गया मिक्स और अभी मैं इसको, सो दोस्तों ये मिक्स हो गया अच्छे से और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और अभी बालों के ऊपर इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। थोड़ा मतलब कि लिक्विड जैसा हो गया, काफ़ी मतलब कि पतला हो गया, तो बालों के ऊपर जब लगाते हो तो फिर पूरा गिरता है सर के ऊपर से। बट एनीवे, सो दोस्तों मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, दही और जो पाउडर है डैंड्रफ वाला, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने बालों के ऊपर इसको लगाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं और लगाते हैं इसको। बहुत ज़्यादा पतला हो गया, तो पतला होने के बाद फिर चुने लगता है साइड साइड से, पूरा नीचे आने लगता है, पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता है। यहाँ से चू रहा है, देख सकते हो, मुझे लगता है थोड़ा कम पड़ गया और ज़्यादा होना चाहिए, बट ठीक है इसी में मिक्स करता हूँ अच्छे से हो जाएगा। मुझे लगता है दोनों हाथों से करना चाहिए। ये देखो कितना सारा बाल आ रहा है मेरे हाथों में, काफ़ी ज़्यादा बाल है। जब तक इसको अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, मतलब स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगना चाहिए। और इसको मैं 20 मिनट तक छोड़ दूंगा ऐसे लगा के, 20 से 25 मिनट मुझे छोड़ना है इसको, उसके बाद फिर इसको धो लेना है शैम्पू से। मुझे लगता है मैंने मिक्स कर लिया, अच्छे से लगा लिया है, और अभी इसको सूखने के लिए छोड़ देता हूँ।
इसको लगा लिया मैंने, अभी कुछ बचा नहीं, अभी मैं हाथ धो लेता हूँ क्योंकि हाथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल आ चुका है। इतना नहीं आता था बाल, अभी इस बार कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, वो डेंगू की वजह से। देखते हैं कब तक ठीक होता है, ये पता नहीं। सो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है और काफ़ी ज़्यादा मिक्स कर लिया है मैंने इसको अच्छे से, जो स्काल्प है स्काल्प के ऊपर मैंने ऐसे लगा लिया है। अब इसको मैं 20 मिनट तक छोड़ दूंगा और 20 मिनट के बाद फिर मैं नहा लूँगा, शैम्पू कर लूँगा, तो 20 मिनट 25 मिनट में सूख जाएगा और फिर मैं नहा लूँगा। सो चलो, ये था हमारा डैंड्रफ वाला, ये दही वाला सिस्टम जो है, पाउडर डाल के दही मिला के फिर लगाना होता है ऐसे, और ऐसे ही मैं लगाता हूँ हफ्ते में एक बार। तो अभी मिला है डब्बा, तो एवरी वीक लगाना है इसको। सो दोस्तों, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको आगे ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा कि मैं अपने बालों के लिए क्या क्या कर रहा हूँ और कितना कम हुआ कितना नहीं हुआ, जो भी है सारा अपडेट मिलेगा। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।